Hello everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English classes. English में बहुत सारे ऐसे words हैं जो लिखे बिल्कुल same तरह से जाते हैं, spelling same होती है, लेकिन उनका जो उच्चारण होता है, pronunciation होता है, वो दो तरह से किया जाता है. तो बहुत बार confusion रहता है कि कौन सा सही है या हम बोल रहे हैं वो गलत है क्या, जो क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं अलग pronunciation. तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे ही words का pronunciation. पहला मैं बताऊंगी अमेरिकन इंग्लिश और दूसरा मैं बताऊंगी ब्रिटिश इंग्लिश, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर फॉलो होती है ब्रिटिश इंग्लिश. तो आइए सीखते हैं कुछ ऐसे ही इंग्लिश के शब्दों का प्रोनंसिएशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला शब्द देखिए, ओ एफ टी ई एन. अमेरिकन में इसको कहा जाता है ऑफ्टन, ऑफ्टन, और ब्रिटिश प्रोनंसिएशन होगा ऑफन, ऑफन. और इसका हिंदी में अर्थ होता है दोनों का ही अक्सर. जैसे तुम अक्सर खेलते रहते हो, तुम अक्सर झूठ बोलते हो, तो अक्सर वर्ड के लिए हम ऑफन या ऑफ्टन दोनों ही प्रोनाउंस कर सकते हैं. दूसरा वर्ड देखिए, एस सी एच ई डी यू एल ई. इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है स्केड्यूल, स्केड्यूल, और ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है शेड्यूल, शेड्यूल. और दोनों का ही हिंदी में अर्थ होता है आगे का कोई भी कार्यक्रम, या आपकी सूची में कोई कार्यक्रम अगर शामिल है, आप आगे कुछ करने वाले हैं वो. अगला जो वर्ड वो है वी आई टी ए एम आई एन एस. इसको अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है वाइटमिन्स, वाइटमिन्स. ध्यान रखिएगा प्रोनंसिएशन का, वाइटमिन्स. और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें कहा जाता है विटमिन्स, विटामिन्स. और हिंदी में इसका अर्थ होता है विटामिन, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है तो हम इसे विटामिन ही कहते हैं हिंदी में. अगला जो वर्ड है वो है ई डी यू सी ए टी आई ओ एन. इसका अर्थ हिंदी में पहले देख लीजिए, जो होता है शिक्षा, हम सब जो ग्रहण करते हैं शिक्षा वो. तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहा जाता है एडुकेशन, एडुकेशन. बहुत ट्रेंड में है आजकल, इसको अधिकतर लोग ऐसे ही आजकल प्रोनाउंस कर रहे हैं, एडुकेशन. डी को डी ही बोला जा रहा है, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है जो हम यूज़ करते हैं अधिकतर भारत में, तो उसमें हम कहते हैं इसको एजुकेशन. डी को ज करके बोला जाता है, तो एजुकेशन दोनों ही सही है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं. आज मैंने आपको बताया कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ शब्दों का जो प्रोनंसिएशन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से होता है. अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप किस इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करते हैं, अमेरिकन प्रोनंसिएशन का या ब्रिटिश प्रोनंसिएशन का. और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, ताकि आगे भी मैं इसी प्रकार के उच्चारण के प्रोनंसिएशन के वीडियो बना सकूँ. थैंक यू सो मच.